Welcome to our channel EME Technologies, and please like and subscribe the channel. So if you want a new update, so just click on the bell icon so that you can get the latest update. Thank you very much. Good morning everyone. Today we learn how to run project, how to learn a project of PHP, how to run a project of a PHP in a browser. So किसी भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका, अगर PHP से रिलेटेड है, अगर उसको चलाने के लिए आपको चलाना है, तो आपको xampp कंट्रोलर ऑन करना पड़ेगा। तो इसको सबसे पहले ऑन कर लीजिएगा, देन उसके बाद ब्राउज़र पे जाके आप लोकल होस्ट जो भी आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम है वो लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट टू अनुराधा फिशिंग डॉट इसमें स्टोर करके रखा है। ओके, तो मैं इस चीज़ को खोल दूँगी। फोल्डर के अंदर फोल्डर है, इसलिए मैंने दो फोल्डर्स लिखे हैं। अब जैसे कि मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना था, तो मैंने क्या किया, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम लिखा और उसको रन कर दिया। इस तरह से आप हर एक प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो अगर PHP का कोई भी प्रोजेक्ट रन करना हो, तो ब्राउज़र पर जाकर लोकल होस्ट लिखिए, उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, वो रन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी, देन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9569698086, एंड अवर एड्रेस इज SA 85 86 फोर्थ फ्लोर सेक्टर 34 चंडीगढ़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे हाउ टू इम्पोर्ट डाटाबेस। किसी भी प्रोजेक्ट का डाटाबेस को अगर इम्पोर्ट करना हो, तो हम ब्राउज़र को खोलेंगे, ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पे लोकल होस्ट PHP में एडमिन लिखते हैं। लोकल होस्ट PHP में एडमिन, या आपके PHP का डाटाबेस है जहाँ पर यह स्टोर करता है आपके सिंपल फाइल से आपका डाटाबेस को। अब जैसे कि आपको इंपोर्ट करना है किसी भी डाटाबेस को, तो आपको सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि AFS नाम का डाटाबेस हमने क्रिएट किया, ये कह रहा है कि ऑलरेडी इस नाम का डाटाबेस हमारे पास पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डाटाबेस को ड्रॉप कर देंगे, AFS, ठीक है, एंड देन क्रिएट, इसको क्रिएट कर देंगे हम। अभी हमने क्रिएट कर दिया, अब हम इस डाटाबेस में इंपोर्ट करेंगे फाइल्स। तो इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, उस डाटाबेस पे क्लिक करके इंपोर्ट करिए। अब इंपोर्ट कहाँ से करना है चूज़ कर लीजिएगा फाइल। आपके डाटाबेस की फाइल जहाँ भी पड़ी होगी वहाँ से कर लीजिएगा। अब जैसे मैंने डाउनलोड में रखी है, तो मैं डाउनलोड से उठाकर पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास सारा का सारा डाटाबेस शो हो गया यहाँ पर। इसको कहते हैं कि हमने इस तरह से यूज़ किया कि हमने इस चीज़ को यूज़ किया कि हमने ये चीज़ इम्पोर्ट करवानी है। अब अगर हमें इसके टेबल्स देखने होंगे, तो इसके राइट क्लिक पे क्लिक करके इसके टेबल्स, ये इसमें क्या क्या डाटा है वो है, और अगर इसका स्ट्रक्चर देखना हो, स्ट्रक्चर को देख करके इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का डाटाबेस। अगर PHP में चलाना हो, तो हम इस तरह से इम्पोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, देन कॉन्टैक्ट अस ऑन 10. ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये हमारा एड्रेस है, ठीक है। अगर एड्रेस है SU नंबर 85 86 4th floor sector 34 A चंडीगढ़,
160042 ये हमारा एड्रेस है। अगर कोई भी क्वेरी हुई तो आप यहाँ पे इस ऑफिस में आके पूछ सकते हैं। और हमारा फ़ोन नंबर है 9569808826। और हमारे ऑफिस जो है मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है। इफ़ अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट डाटाबेस। पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि हाउ टू इम्पोर्ट डाटाबेस, अब हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट डाटाबेस। तो वैसे ही पहले लोग अपने ब्राउज़र को ओपन करिएगा, वहाँ पे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको डाटाबेस को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोजेक्ट को किसी और के लैपटॉप पे चला के दें। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को किसी और के लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं, तो हमने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करना उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम जैसे एक्सपोर्ट करेंगे, अब ये लोड होने में टाइम ले रहा है, सो वेट। ये आपका डेटाबेस आ गया। अब आपको इस पर हमें जैसे कि इंपोर्ट करवाना है, अब हमें एक्सपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करना हम सीख चुके हैं। तो हम जिस डेटाबेस को एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, जैसे AFS इसको ओपन करेंगे। ये चीज़ जैसे कि खुल गई, अब हमें पूरे के पूरे डाटा को इसमें एक्सपोर्ट कराना है, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करिएगा। देन कस्टम डिस्प्ले, हमें पूरा का पूरा डाटा बेस चाहिए इसलिए हमने कस्टम डिस्प्ले किया, ओके। देन गो, इस तरह से आपका डाटा बेस एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो जाएगी .xampp फाइल, अब आप इसको कहीं भी अपने किसी भी फ्रेंड के लैपटॉप पे प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। जिस तरह से इंपोर्ट करना सिखाया वैसे उसके लैपटॉप पे इंपोर्ट कर दीजिएगा, और एक्सपोर्ट करना हमने आपको सिखा दिया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9569806826 एंड अवर एड्रेस इज 86 फोर्थ फ्लोर जेट 34 चंडीगढ़। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी डिस्कस हाउ टू इंपोर्ट, हाउ टू रन अवर प्रोजेक्ट एंड हाउ टू एक्सेस अवर प्रोजेक्ट एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो एज वी नो दैट हर एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, चाहे PHP और कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके लिए हमें XAMPP कंट्रोलर चाहिए ही चाहिए। तो हम XAMPP कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे एंड इसको ऑन करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट चलाना हो या आपको कोई भी प्रोजेक्ट PHP का चलाना हो तो XAMPP को ऑन करना ही पड़ेगा, बिना प्रोजेक्ट ऑन किए आप काम नहीं कर सकते। कई बार होता है XAMPP पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। या तो ये प्रॉब्लम आती है स्काइप की वजह से, तो स्काइप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, या तो फिर ऐसा करिए कि कॉन्फ़िग में जाके apache.http.config पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपके पास पोर्ट नंबर आ रहा होगा, जैसे कि ये आ रहा है 8080, इसका पोर्ट नंबर होता है वही पोर्ट नंबर स्काइप का होता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि या तो इस 80 को चेंज कर देते हैं 82 कर देते हैं, या कई बार होता है यहाँ पे 00 शो कर रहा होता है, तो इसको 8080 कर दीजिएगा, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
आपको हम जो भी प्रोजेक्ट देंगे वो एक फोल्डर में ही होगा, तो उस फोल्डर को आप जिस भी ड्राइव में आपने अपने जैम को इंस्टॉल करके रखा होगा उसको खोलिएगा। जैसे कि मैंने लोकल सी में उसको इंस्टॉल करके रखा है, तो लोकल सी को ओपन करिए, देन जैम्प आपका फोल्डर का नाम है उसमें जाकर डालिएगा, उसमें HT डॉक्स में जाके पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे अपना पेस्ट कर दीजिएगा। पर याद रखिएगा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फोल्डर से नहीं चलता PHP का, तो ब्राउज़र ऑन करना ही पड़ेगा। ब्राउज़र को ऑन करेंगे अब हम, जैसे कि ब्राउज़र ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे हर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए लोकल होस्ट आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम, जैसे मेरे प्रोजेक्ट के फोल्डर का नाम है Project 2, तो Project 2 को मैंने ओपन कर लिया, और फिर ई स्कूल, देन सोर्स कोड पे ही खोलना, बाकी के कोई भी फोल्डर्स मत खोलिएगा क्योंकि बाकी में सोर्स कोड फ्रंट एंड नहीं है। ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हमने इसलिए बनाया था क्योंकि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट को इजी हो जाए उसकी सारे शेड्यूल के बारे में। कई बार होता है कि टीचर नहीं आ रहा हो और स्टूडेंट आया हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, या टाइम टेबल चेंज हुआ हो, तो वो यहाँ से देख सकता है कि क्या टाइम टेबल है, क्या टाइम टेबल नहीं है। उसी तरीके से टीचर देख सकता है उसकी कब क्लास है, उसने क्या असाइनमेंट्स दिए एंड ऑल दैट। वैसे ही पेरेंट देख सकता है कि उसके बेटे की कितनी अटेंडेंस है, क्या रिजल्ट है उसका, क्या फीस है एंड ऑल दैट। ठीक है, जैसे कि एडमिन का काम, एडमिन पे क्लिक करके सबसे पहले उसका डैशबोर्ड जो भी दिखाई दे रहा है ये आएगा। इसमें क्लासरूम रूम मैनेजमेंट, आप क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं कि आप कौन से सेक्शन कौन सा डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आपको नई क्लास बनानी है तो यहाँ पे क्लास दे दी, अब 2 नाम की कोई क्लास ऑलरेडी है होगी तो ये क्रिएट नहीं करेगा। आप जैसे कि सबमिट कर दीजिए तो ऑलरेडी इस नाम की क्लास है 0 पे, इस तरह से। ठीक है, वैसे अब हमें क्या करना है, जैसे देखनी है कि कौन सी क्लासेस अवेलेबल है इधर, तो हम देख सकते हैं फर्स्ट में 2 सेक्शंस हैं, 2 में सेकंड 2 सेक्शंस हैं, 3 में भी 1 सेक्शन है, 4th में 1 सेक्शन है, 5th में 1 सेक्शन है, 1st में भी 1 सेक्शन है, इस तरह से। ओके फाइन, देन एडमिशन्स करवानी हो एडमिन भी एडमिशन करवा सकता है, जैसे कि किसी की एडमिशन करवानी है उसका एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ठीक है, देन लॉग इन। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट की आईडी एडमिशन नंबर से 4242। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक न्यू एडमिशन है तो हम एडमिशन ही करवा सकते हैं। देन शो करवा सकते हैं हम किसी भी क्लास की एडमिशन्स कौन कौन सी हैं, जैसे 4th में कौन सी एडमिशन्स हो रखी हैं, कोई भी एडमिशन नहीं है, 2nd पे कौन सी एडमिशन्स हैं। ठीक है, इस तरह से कि हमने अभी करवाई थी इतना की एडमिशन, तो उसका एडमिशन नंबर है 4242, तो याद रखिएगा इसका एडमिशन है 4242। देन अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकते हो आप यहीं से अपने आप इसको, देन एडमिशन करवा देता है एडमिन पैनल। ये टाइम टेबल भी मैनेज करवा सकता है कि आप टाइम टेबल बता सकते हो कौन सा टाइम टेबल है, जैसे 4th क्लास का क्या टाइम टेबल है, सबमिट करके देख सकते हो, यहाँ पे आप टाइम टेबल लिख सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट का टाइम टेबल बता सकते हो कि स्टूडेंट को क्या टाइम टेबल है उसका, इस तरह से। वैसे ही एक टीचर का टाइम टेबल है, एक टीचर का टाइम टेबल क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, वैसे ही आपके पास फीस को मैनेज करने का है कि कितनी फीस किसने दे दी है किसने नहीं दी है, जैसे कि मुझे फीस पेंडिंग करवानी है इसकी, तो ये नाम भी दे देगा इसका, आप अमाउंट डाल दीजिए, जैसे 400 ही पेंडिंग है जनवरी की, तो 400 पेंडिंग फीस आ जाएगी। वैसे ही आपको अगर किसी की देखनी है, जैसे फेब्रुअरी की देखनी हो, किसी की रहती होगी तो दे देगा, अब जनवरी की किसी की रहती होगी तो वो जनवरी की बता देगा, इस तरह।
ठीक है, ऐसे ही पेंडिंग फीस का भी ये बता देगा जनवरी में। ओके, इस तरह से ये सारी पेंडिंग फीस है। वैसे ही टीचर को मैनेज करने के लिए होता है कि टीचर को एक प्रॉपर क्लास दे दी हो, टीचर्स कौन कौन से क्लास में हैं, जैसे कि टीचर एक अंकिता सिंह है, टीचर आईडी इसकी 1 है, पासवर्ड इसका 123456 है, तो इसका हम दे देंगे इस तरह से। वैसे ही मैनेज सब्जेक्ट मैनेज करने के लिए है कि अगर हमें इधर SKT लगानी हो तो सेव कर दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। देन लॉग आउट। अब हमारे पास स्टूडेंट लॉगिन, देखना है कि स्टूडेंट में कौन सा लॉगिन है, तो यहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ई स्कूल नाम का एक डेटाबेस होगा, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे जाके देख लीजिएगा, ई स्कूल नाम का आपके पास डेटाबेस होगा, उसमें जाके आप देख सकते हो कि स्टूडेंट लॉगिन में किस किस ने लॉगिन किया है। जैसे कि 6 स्टूडेंट आई डी 6 है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आईडी 6 है, पासवर्ड इनका 001 है, आईडी 001 ही और पासवर्ड भी 001 है। इस तरह से अंदर लॉगिन, ठीक है, वो अपना क्लास का टाइम टेबल देख सकते हैं, तो कि आपका जैसे फर्स्ट थर्ड क्लास में है तो उसका टाइम टेबल क्या है, फर्स्ट क्लास में है तो उसका टाइम टेबल क्या है। अभी उसका कोई टाइम टेबल अपडेट नहीं हुआ, इस वजह से वहाँ पर कोई अपडेशन नहीं। फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फीस स्टेटस क्या है उनका, जैसे कि उनका स्टेटस जनवरी का क्या है, फरवरी का क्या है, कुछ भी स्टेटस नहीं बचा है उनका, इस तरह से। असाइनमेंट्स देख सकते हैं कि उन्हें कौन कौन सी असाइनमेंट्स अलॉट हुई हैं, ठीक है, रिज्यूम एंड JD की लाइक दिस, दीज आर टाइप ऑफ असाइनमेंट्स उन्हें अलॉट हुई हैं। वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं कि उन्हें क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है, जैसे हिंदी की एंड कंप्यूटर की वीडियोस देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट लॉगिन। वैसे ही टीचर लॉगिन के लिए है, उसकी टीचर आईडी है और उसी का ही पासवर्ड होगा, जैसे आईडी इनकी 1 है और इनका पासवर्ड 123456 है। इस तरह से अब टीचर जो है वो एक टाइम टेबल देख सकता है अपना टाइम टेबल कि उसकी कौन सी क्लास कब है, जैसे मंडे की क्लास कि कौन सी क्लास कब है ये वो देख सकते हैं, जैसे कि उनके मंडे कितने बजे क्लास है, क्लास फर्स्ट की क्लास लेनी है उन्होंने, इस तरह से। स्टूडेंट का टाइम टेबल देख सकते हैं कि स्टूडेंट का क्या टाइम टेबल है उनके साथ, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ाएंगे वो और संस्कृत पढ़ाएंगे, इस तरह से। असाइनमेंट्स देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या असाइनमेंट्स दी थी उन्हें, असाइनमेंट अपलोड करवा सकते हैं वो कि स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे वो अपलोड कर सकें, वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करवा सकते हैं वो, इधर से वीडियो URL दे दिए, किस क्लास के लिए देना है, किसे फर्स्ट क्लास के लिए देना है URL दे दिए, मैथ्स की है। अटेंडेंस, स्टूडेंट की अटेंडेंस चेक करनी हो, ठीक है, इस तरह से अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। साइन करवानी है तो मतलब पहले कुछ डालना पड़ेगा, तभी आप साइन करवा सकते हो, ठीक है। अभी कोई क्लास नहीं लगी, इस वजह से यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा,
तो ये था टीचर का पैनल। वैसे ही पेरेंट का है कि पेरेंट को एक आईडी दी होगी। पेरेंट लॉगिन, पेरेंट आईडी और पेरेंट का पासवर्ड, पेरेंट के फ़ोन नंबर पे चलेगा ये काम। पेरेंट क्या करवा सकते हैं, एक तो टाइम टेबल चेक कर सकते हैं अपने स्टूडेंट अपने बच्चे का, एक फीस स्टेटस और एक अटेंडेंस। इस तरह से कोई टाइम टेबल नहीं, फीस स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कोई पेंडिंग तो नहीं रही, स्टूडेंट की फी पेंडिंग नहीं है तो वैसे ही अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, एक पूरा स्कूल का मैनेजमेंट कि वो किस तरह से कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, आप यहाँ अगर आपको इसका बैकएंड देखना हो तो लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन पे जाके, जैसे कि आपको बताया था कि आपने डेटाबेस का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ई स्कूल यहाँ पे डेटाबेस का नाम है, इसको देखिएगा, इस पर क्लिक करके डेटाबेस जितने भी इसके टेबल्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने हर एक टेबल को क्लिक करके इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या यूज़ किया हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्या फीस है उसकी और कैसे चल रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी ट्यूटोरियल्स डालने, वीडियोस डालनी होगी तो आपको पूरा लिंक दे के यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये तो था इसका फ्रंट एंड और बैक एंड। अब आपको अगर आपका बैक एंड में आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिलती है तो मैं इसका भी एक सोल्यूशन रखा है कि आपको जो फोल्डर दे रखा है उसमें डेटाबेस डॉक फाइल में जाके एडमिन, ई स्कूल एडमिन नाम का एक डॉक फाइल होगी, इसको ओपन करके देख लीजिएगा। उसमें हर एक चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, इसके चारों मॉड्यूल के यूज़र आईडी पासवर्ड दे रखे हैं हमने। चलिए ये इसकी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, इस तरह से। ओके, अगर आपको कोई बोले कि आपको आपके प्रोजेक्ट का सोर्स कोड दिखाना है तो आप अपने प्रोजेक्ट